ये रिश्ता मंजूर है। क्या फखर भाई की शादी तुमसे हो रही है? मुझे तो लग रहा है उसे शौक लगा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। देखा नहीं उसके चेहरे पे कितनी हैरानी थी, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो। तेरी राह में रुलते फिरते तो ये that I just don't like her mom, नहीं पसंद है मुझे वो। अब अभी जाएं और ये रिश्ता खत्म करें। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? शादी से दो दिन पहले रिश्ता खत्म कर दूं, कोई मजाक है क्या? आखिर पता तो चले उसमें बुराई क्या है। मैंने आपसे कहा ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। I mean, मिडिल क्लास होने के बावजूद हर वक्त यूनिवर्सिटी में मुझसे कंपटीशन करती थी वो। माँ, ये वक्त ऐसी पचकाना बातें करने का नहीं है। तुम्हें पता है कि ये रिश्ता फखर के बहुत इसरार पर हुआ है, और मुझे तो खुद तुम्हारा ये रवैया बड़ा गैर मुनासिब लग रहा है। बेटा, पिछली सारी बातें भूल जाओ। अगर तुम्हारे और ईमान के दरमियान में कोई इख्तलाफ था भी, तो उसे इस नए रिश्ते के दरमियान मत आने दो। इसका मतलब है कि आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना? परवाह है मुझे, अगर तुम्हारी वजह से मैं फखर की जिंदगी भी नहीं खराब कर सकती। बेहतर है इस बात को यहीं खत्म कर दो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तौबा है भाई, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी। जिस चीज को हाथ लगाओ कीमत आसमान पर है। तुम्हारी शॉपिंग तो हो गई ना भाई। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने कोई मुझे डिजाइनर से शॉपिंग कराई हो। एक भी जोड़ा मेरे मतलब का नहीं है। अरे भाई, डिजाइनर के कपड़े खरीदने की जेब नहीं है मेरी। पहले ही मेहमान की शादी पर कितना खर्च हो गया है। ऑफिस से लोन लेना पड़ा है मुझे, तुम तो जानती हो चंद माह में उतरेगा। लेकिन जो भी है, ईमान की शादी से हम सुरखरू तो हो जाएंगे ना। हाँ बेटा, कल मेरी ईमान अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, और मेरी ख्वाहिश है कि हम सब घर वाले मिलकर खुशी खुशी इसको रुखसत करें। और तुम दोनों से मेरी इल्तजा है मेरे बच्चों, कि जो गलतियां हुई एक दूसरे को माफ कर दो। चलो दानियाल बेटा, उठो, बड़े भाई से माफी मांगो। जिम भाई, किस मुझे माफ कर दो। शाबाश, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो।
एक खूबसूरत कल हमारा मंतजर है। हाँ क्या कह रही हैं आपसे मतलब? नहीं मतलब सब वहाँ हैं और आप यहाँ, तो मैंने बोला कुछ। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप क्यों बार बार मुझसे फ्री होने की कोशिश करते हैं? हटिए मेरे रास्ते से। Thank you.
बादशाह लग गया, प्यारी जोड़ी लगी है ना, चल लगी आपको भाई। आप तक खीर लेकर आओ, बहू का मुंह मीठा कराना है। जी बेगम साहब, आप जाते हैं। बेटा तुम कहाँ जा रही हो? मैं बहुत थक गई हूँ, अभी बस प्लीज रेस्ट करने जाऊंगी। बेटा अभी तो बहू घर आई है, रसम कर ले फिर रेस्ट भी कर लेना। नहीं दादू प्लीज, मुझे नहीं। बैठ जाओ ना महा, थोड़ी देर। कम ऑन, शाबाश। ओके। भाई नजमा, अपनी बहू का मुंह मीठा कराओ। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट। पकड़ बेटा ये, मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए शादी कर लो। अब उसकी क्या जरूरत थी? अरे यार हर चीज जरूरत के तहत थोड़ी की जाती, दिल के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। ये लो रखो, शाबाश, जीते रहो। शुक्रिया बेटा, दादी की तरफ से तुम दोनों के लिए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। महा बेटा, अपनी भाभी को तोहफा नहीं दोगी? आप सबने इतने गिफ्ट्स दे दिए, मुझे नहीं लगता मेरे तोहफे की कोई और गुंजाइश है। ठीक कह रही हो, तुम खुद एक तोहफा मेरे लिए, इसलिए हमारे लिए ये तोहफा लिया। ओह, थैंक यू भाई, थैंक्स। अम्माजान अगर आप इजाजत दे तो बाकी रस्में सुबह कर लेंगे, हमारी बहू थक गई होगी, इसे आराम करने दिया जाए। सही कह रहे हैं आप, ठीक है बेटा आराम करो। महा, ईमान को इसके कमरे में ले जाओ। हाँ जी ना, चलो जाओ बेटा रेस्ट करो। अच्छा Do you want me to help you? Really heavy. अम्मा आप भी बहुत थक गई होंगी, आप भी आराम करने जाके। बात तो सही है, वाकई मैं बहुत थक गई हूँ। चलें आपको कमरे में ले जाओ। ओके सो दिस इज फखर भाई का रूम, कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा है ना, पर आई एम श्योर तुमने आज से पहले इतना अच्छा रूम कभी नहीं देखा होगा। एनीवेज प्लीज हैव अ सीट, बैठो प्लीज, बैठो बैठो प्लीज बैठो। ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया कि फखर भाई जिसको लाइक करते हैं वो तुम हो। आई मीन जब मैं तुमसे मिली सो लाइक आई वाज शॉक्ड यू नो। मुझे भी बहुत हैरत हुई थी। तानियाल भाई और फखर बहुत पुराने दोस्त हैं। और फखर का हमारे घर में काफी अरसे से आना जाना है, लेकिन मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि तुम उनकी छोटी बहन हो। तुम्हें पता है मैं पहले बहुत डरी हुई थी, एक अजीब सा खौफ था दिल में, अब बहुत रिलैक्स हूँ क्योंकि तुम जो यहाँ मेरे साथ, मेरी सबसे अच्छी दोस्त वो तो है। तुम्हें ना मेरे होते हुए इस घर में किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। थैंक्स। इतनी खुशफहमी है ना तुम्हें ईमान, लेकिन फिक्र ना करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दूंगी। मम्मी आप यहाँ, सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही बेटा,
मेहमान को मिस कर रही हैं। उसके बगैर घर अजीब सा लग रहा। मां के बगैर रहने की आदत तो डालनी होगी ना। अल्लाह पाक मेरी बच्ची को उसके घर में आबाद रखे, उसे किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। आमीन। अच्छा सब छोड़ें, मुझे ये बताएं, दवाई खाई है आपने? हाँ, भूल गई। ये सारी बातों का ध्यान तो ईमान ही रखती थी ना। आज इन सब चीजों का ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है? आ जाएं, दवाई खाते हैं। चल, आ जाएं। जी तर। माशाल्लाह सब बहुत अच्छे से हो गया, तब बहुत खुश थे। सही कह रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं। महा भी बहुत प्यारी लग रही है। मेरा बेटा जो है, अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, ईमान तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्या हो गया जान? ठीक हो? क्या हुआ? मेरे पांव में पहुंच आ गई वहां चेक करने तो दो उनको। जी डॉक्टर साहब, सॉइलिंग तो नहीं है और इंटरनल ब्लीडिंग भी नहीं है, और अच्छी बात यह है कि फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। इन्हें पेन किलर दे देते हैं, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ठीक से चेक कर लें, सीढ़ियों से स्लिप हुई है, चोट मामूली कैसे हो सकती है? बजाहर तो कुछ नहीं है, मगर आपकी तसल्ली के लिए एक एक्सरे करवा लेते हैं। थैंक यू। प्लीज स्टाफ बेटा इनका एक्सरे करवाएं और पेन किलर लगाएं, ठीक है? रिलैक्स महा, वो पेन किलर का इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, ठीक हो जाओगे। आइए। ये आपकी बेटी नहीं नजर आ रही, कहाँ है? वो अपने कमरे में है, एक्चुअली रात को उसका पांव स्लिप कर गया था तो रेस्ट कर रही है। लगता है नई बहू का घर में आना रास नहीं आया। तेरी राह में रुलते फिरते परेशानी हुई ना आपको? आई नो इट्स लाइक अ रियली बिग डे फॉर यू, और सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से स्पॉइल हो गया। कैसी बातें कर रही हो तुम, आइंदा ऐसे सोचना भी मत। मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज ये गैरों वाली बातें मत करना आइंदा। अल्लाह तुम दोनों बहन भाई का प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। फखर बेटा तुम जाकर रेस्ट करो, बहुत रात हो गई है और ईमान भी तुम्हारा वेट कर रही होगी। ठीक है, ख्याल रखना अपना। गुड नाइट। मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, तुम चेंज कर लो, ठीक है? ओके।
सॉरी आने में देर हो गई। एक्चुअली वहाँ सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी तो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। ओ, अब कैसी है वो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन पेन काफी ज्यादा है। तुम्हें पता है माँ मेरी जान है, उसकी जरा सी तकलीफ भी ना उन्हें बेचैन कर देती है। बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, तुम देखना इस घर में तुम्हें सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा ख्याल माँ कर। उसे कोई तकलीफ पहुंचे ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मुझसे वादा करो कि तुम वहां से उतनी ही मोहब्बत करोगी, उतना ही प्यार दोगी उसे जितना प्यार मैं उसे करता हूँ। आप शायद भूल रहे कि महा मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ वाकई भूल रहा हूँ, भूल गया था। ये आपकी मुंह दिखाई पहना दूं? कैसी लगी? बहुत अच्छी। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही हो ईमान। सारा सामान बस अब जल्दी कर लें। हाँ बेटा सब तैयार है। बस फिर मैं राइड बुलाऊं? 10-15 मिनट ठहर जाओ फिर गाड़ी मंगा लेना। मैं कॉल करता हूँ। अरे वाह, ये ईमान के ससुराल में नाश्ते की तैयारी है, देखो तो सही। अरे कचौरियाँ, पूरियां, कमाल है। खाला एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाएंगी? ईमान के ससुराल वाले तो बड़े अमीर हैं, ऐसा नाश्ता करेंगे क्या वो? समिया बेटी, ईमान के ससुराल वाले अमीर जरूर हैं, लेकिन वजेदार लोग हैं। और वैसे भी हम तो एक रस्म पूरी कर रहे हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। दादो मैं भी पप्पू के घर जाऊंगा। हाँ बेटा क्यों नहीं। तुम क्यों जाओगे, तुम्हारा क्या काम वहाँ पे? अरे क्यों मना कर रही हो इसे, अपनी पप्पू को भी मिल लेगा और उसका घर भी देख लेगा। लेकिन घर तो मैंने भी नहीं देखा अब तक, पता तो चले आखिर कहाँ गई ये प्याकर। अच्छा ठीक है खाला, ले जाइए इसे अपने साथ। बल्कि ऐसे करती हूँ मैं भी साथ ही चलती हूँ, उस बहाने में ईमान का घर देख लूंगी ना। अच्छा चल आओ टीपू तुम्हें तैयार करूँ, आ जाओ। खाला मैं भी आती हूँ अभी तैयार होके, इकट्ठे चलेंगे हम। है साथ क्यों जा रही? कह तो रही है ईमान को मिलने के लिए जाना। देख लीजिएगा वहाँ जाकर भी कोई तमाशा खड़ा करेंगे। खामोश रहो,
और मेरी बात गौर से सुन लो। बहन के ससुराल जा रहे हो, अगर वहां जाके कोई मसला खड़ा किया ना तो फिर देख लेना। मैं सामान रख रही हूँ, जल्दी से गाड़ी मंगा। चल कैसी तबीयत है? तुम्हें पता है मैं रात भर सही से सो भी नहीं सका। अब बेहतर है। थैंक गॉड। लेकिन अभी भी तुम जरा कंप्लीट रेस्ट ही करना, और बिलावजह चलने फिरने से गुरेज ही करना, ये ना कि तकलीफ मजीद बढ़ जाए। भाई मुझे तो लगता है कि आपका वलीमा ना इस बेड पे बैठ के अटेंड करना पड़ेगा। नहीं, शाम तक इतना तो ठीक हो ही जाओगी, चल फिर सको। चलो अगर तबीयत ठीक ना हुई तुम्हारी तो वलीमा कैंसिल कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक इस बात की नौबत आएगी। इंशाल्लाह। जूस पिचवाऊं? यस प्लीज। ना करो, हाथ में लगा रही हो तुम, तकलीफ बढ़ जाएगी। ओके ठीक है, मैं भी जूस पिचवाता हूँ। कहाँ थे आप? मैं माँ के पास गया था, अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। सारी रात सो भी नहीं सका सही से। वो दानियल की कॉल आई थी। दानियल भाई की? क्या कह रहे थे? बस आने वाले होंगे थोड़ी देर में। ईमान तुम्हें काम करो ना, माँ के पास चली जाओ, उसकी खैरियत पूछ लो, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है। कैसी हो? आओ। सॉरी, फखर बता रहे थे कि कल तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। मैं पता नहीं अचानक से स्लिप ही हो गई। अब ठीक हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? शुक्र है अल्लाह का। और ये तुम्हें चलना फिरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। That's so sweet of you, Iman. जानती हूँ मैं कल से कितनी embarrassed हूँ, मुझे कितना bad feel हो रहा है। तुमने कल रात बहुत इंतजार किया होगा ना? माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम जानती हो ना, तुम सिर्फ फखर की बहन नहीं हो बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। और तुम्हारी तकलीफ हम दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। Thank you, Maha. Means a lot. कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, खुद नहीं उठना। ठीक है, मैं दादू से मिलकर आती हूँ। ठीक है।
बेचारी, मैं ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। एक तो अहमद को मुझसे छीनने का जुर्म ही बहुत था कि अब तुम मेरे और फखर भाई के बीच आ गई हो। अब तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी की सारी जिंदगी याद रखोगे। आप लोगों ने खामखा तकल्लुफ किया, भला नाश्ता लाने की क्या जरूरत थी? यही तो मैं कह रही थी खाला से, भला आप लोग कहाँ खाते होंगे ये बाजारी नाश्ते। तकल्लुफ की बात नहीं है नजमा बहन, ये तो रस्म है। पहले दिन नाश्ता मैके की तरफ से ही आता है। अरे ये आपका अपना घर है और आप नाश्ता हमारे साथ करेंगी? ये आपकी बेटी नहीं नजर आ रही, कहाँ है? वो अपने कमरे में है, एक्चुअली रात को उसका पाँव स्लिप कर गया था, तो रेस्ट कर रही है। अब तबीयत कैसी है उसकी? जी अब तो ठीक है। लगता है नई बहू का घर में आना रास नहीं आया, ऐसी कह रही हूं मैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी तीरो। कैसी है अम्मी? तुम्हें देख लिया है ना तो ठीक हो गई। पप्पा। अरे टीपू पप्पा की जान, कैसे हैं आप? ठीक। दानियाल भी आप कैसे हैं? ठीक ठाक। भाभी आप बताएं आप कैसी हैं? मुझे क्या होना है, मैं तो वैसी की वैसी हूँ। तब्दील तो तुम हो गई हो, क्या ठाट बाट है भाई, क्या बात है। ईमान फखर कहाँ है? फखर दानियाल भाई ऊपर हैं, बस आते होंगे। बेगम साहिबा नाश्ता लगा दिए, नाश्ता कर लीजिए। ठीक है चले उठे नाश्ता कर ले। नहीं बस हम फखर को मिलकर चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, ईमान कहो ना अपनी अम्मी को नाश्ता करें। अम्मी आजा, दानियाल भाई उठे उठे आजा। तुम चल भाभी चलें, ठीक है जैसे आपकी मर्जी, हमें तो कोई एतराज नहीं है। चलो टीपू आओ, वो के साथ नाश्ता करते हैं। आपको पता है ये फूफो का घर है, हैं इतना बड़ा घर। अरे भाई घर तो देखने वाला था, इस जैसे चार आ जाए उसमें। वैसे ईमान के कपड़े और ज्वेलरी देखकर ना मुझे शादी पर ही अंदाजा हो गया था। ईमान है बड़ी किस्मत वाली। वैसे इसे किस्मत नहीं चालाकी कहते, अमीर लड़का फंसाया और कर ली शादी। अगर उस वक्त तू मेरी बात मान लेती ना तो कुछ भी करके मैं तेरी शादी करवा देती फखर से। अब बस भी कर दें आप ही, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मुझे उससे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा तो आपकी दिलचस्पी किस में है हमें भी पता चले। आप नाराज तो नहीं होंगी ना, आपका जो देवर है ना